तो अब प्रारंभ करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद का प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण और उसका प्रथम कंडिका। यहाँ जो ब्राह्मण कहा है प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण, तो वेदों के भी ब्राह्मण हैं। अब यहाँ ब्राह्मण को जातिवाद से नहीं जोड़ना है, बेसिक हमें समझना है ब्राह्मण का अर्थ क्या है। जातिवाद से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है जो दूसरों को ज्ञान दे, उनके विस्तार का, उनकी ग्रोथ का, उनकी उन्नति का कारण बने। ज्ञान देने वाला जो भी है, जो कोई भी है, यदि हालांकि वेद जातिवाद में विश्वास नहीं करते, परंतु आज के समाज के इस वर्गीकरण को देखें तो यदि कोई शूद्र भी आपको ज्ञान देता है तो वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो ज्ञान दे रहा है ना। तो यहाँ जो ब्राह्मण है इसे जातिवाद से नहीं जोड़ना है, ठीक। अब पहली जो कंडिका है उसकी पहली पंक्ति है, उषा वा अश्वस्य मेद्यस्य शिरः, अर्थात कि उषा, ये पहला शब्द है उषा। अब ये उषा क्या है? उषा है जो प्रातः काल में आपने देखा होगा जब सूर्योदय होता है, उससे कुछ पल पहले एक लाल रंग की रोशनी दिखती है, आकाश लाल हो जाता है सुबह सुबह के समय। जैसे 6 बजे सूर्योदय होना है, तो लगभग 5-10 मिनट पहले की हम अगर एक बात करें, तो वहाँ वो लाल रंग का आकाश हो जाता है, एक माथे जैसा वहाँ पूरा वो एक प्रतिबिंब सा दिखता है। तो वही उषा है, सूर्योदय से पहले का, उसे भोर भी कहते हैं। गांव देहात में जो लोग हैं वो भोर कहते हैं, तो हिंदी का शब्द भी है, उषा भी कहते हैं, भोर भी कहते हैं उसे। तो जो वो भोर है वो उषा है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उषा तो समझ आ गई। अब अश्वस्य मेधस्य शिरः, अर्थात कि जो अश्व है, अश्वस्य मेधस्य शिरः, तो यहाँ क्या है कि जो जानने योग्य है, मेध्य। अब ये मेध्य का मतलब क्या है? मेधा, सुना है ना, बड़ा मेधावी छात्र है, अर्थात बड़ा जानकार है ये, इसे ज्ञान बहुत अच्छा है। तो मेधा वो बुद्धि है जिससे हम कुछ जानते हैं, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, जो जानना चाहती है, जानने के लिए भूखी है, ज्ञान के लिए भूखी जो बुद्धि है, या जो सक्षम है जानने में दूसरों को, वो मेधा बुद्धि है। तो यहाँ ऋषि कहना चाह रहा है कि जो यह उषा है वह जानने योग्य अश्व का सिर है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? ये अश्व कहाँ से आ गया भैया? अच्छा खासा पढ़ रहे थे कि चलो उषा है, सृष्टि क्या है, अब इसमें ये अश्व कहाँ से आ गया? तो अश्व का अर्थ है घोड़ा क्या करता है, चलता रहता है, चलायमान है, गतिशील है। तो जो चलायमान ये सृष्टि है, जो सर्वव्याप्त है, पूर्ण जो ये चलायमान जगत है, इसे अश्व कहा है। वेद उपनिषद को पढ़ने में बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो जाते हैं, क्यों? वजह क्या रही? ज्ञानी थे तो फेल क्यों हो गए? वजह केवल एक ही है कि ऋषि बात करते हैं प्रतीकात्मक भाषा में, वो प्रतीक बताएंगे, वो नहीं कहेंगे अरे दूसरा आदमी देखो, ये जो मनुष्य खड़ा है ये मूर्ख है, वो नहीं कहेंगे। वो कहेंगे ये उल्लू के समान है। भैया हैरान रह गए, कोई देखा बड़ा चालाक है, कहा ये तो काक के समान है, कौए के जैसा है, बड़ा चतुर है, चालाक है। तो ये प्रतीकात्मक भाषा। अब आप कहोगे अरे मनुष्य अगर ऐसे गुण हो तो वो कौवा होता है,
हो जाएगा क्या? नहीं होगा, मनुष्य मनुष्य रहेगा, कौआ कौआ रहेगा, पर वो प्रतीकात्मक भाषा प्रयोग की गई। वहीं अपभ्रंश इनका हो जाता है कि मनुष्य एज इट इज ले लेता है, जैसे कहा वैसे मान लो। तो अंत में क्या होता है कि उन उपनिषदों का अपभ्रंश होकर पुराण बन जाते हैं। 18 पुराण और कुछ नहीं है, वो अपभ्रंश हो गए। ओके, तो हमें प्रतीकों को समझना है अपनी इंद्रियों को खोलकर। तो यहाँ क्या कहा ऋषि ने कि जो उषा है वह उस अश्व का जानने योग्य, जो अश्व है उसका सिर है। अब अश्व क्या, यह पूरी सृष्टि क्या है, ये जो चलायमान जगत है क्या है, ये वो अश्व है। और अश्व कैसा है? मेधस्य है, अर्थात जानने योग्य है। तो जो जानने योग्य अश्व है, अर्थात ये जो सृष्टि है वो जानने, क्योंकि इसे आप क्या समझोगे, इस पूरी सृष्टि को? भाई जनरली क्या कहते हैं कि इस सृष्टि को जान लो। अगर सृष्टि को जान लिया तो सब कुछ हो जाएगा संभव। मोक्ष पाना है, ध्यान लगाना है, उसमें साधना में ध्यान की परम श्रेणी पर जाके मोक्ष पाना है। ये पता नहीं कि सृष्टि क्या है, सृष्टि के अंग क्या हैं, कुछ नहीं पता, बस सीधे बैठना है, ध्यान पाना है ना, मोक्ष लेना है, कैसे संभव हो सकता है? तो जो सृष्टि है, वो ऋषि ने एक लाइन में बड़ी अच्छी यहाँ बात कही है कि जो सृष्टि है वो मेधस्य है, जानने योग्य है। यदि उस सृष्टि को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। उस सृष्टि को जान लोगे तो आगे का रास्ता, देखिए ना, प्रथम कंडिका में, प्रारंभ में ही ऋषि ने सृष्टि के जानने की बात की है, अर्थात आगे जो भी चीजें हैं, देवता क्या हैं, परमेश्वर क्या है, समाज क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, और आपका ये ब्रह्मा कौन है, शिव कौन है, विष्णु कौन है, मोक्ष कैसे मिलता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सभी जो भी चीजें हैं, ये सभी बाद में आती हैं। ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र फलाना जो भी है, ये सब बाद की बातें। ऋषि ने यहाँ फोकस कर दिया है कि पहले पहले उसको समझो, सृष्टि को समझो, सृष्टि क्या है। तो जो जानने योग्य है वो यह सृष्टि है। अब इसके साथ एक विशेषण जोड़ दिया, सृष्टि के लिए अश्व क्या है, विशेषण है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहां जो प्रथम ये अध्याय है, ये जो प्रथम कंडिका है, इसका उद्देश्य ही है कि आप सृष्टि को जान जाओ। तो यहाँ अभी आगे जो भी वाक्य आएंगे उनमें आप सृष्टि को जानोगे, ये सृष्टि क्या है। तो यहाँ जो यह मेध्य अश्व है, यानी कि जानने योग्य जो ये अश्व है, इसका सिर क्या है? उषा। जो उषा है, जो भोर है, वो इस अश्व का सिर है। अब भैया एक तो कन्फ्यूजन यही आ गया, अब सृष्टि के सर को कैसे देखें? भाई अगर कोई आदमी सामने खड़ा है और आपसे पूछा जाए इसका सर कहाँ है, आप बता दोगे? इसका जो ललाट है उस ललाट को आप देख लोगे, दिख गया। पर ये उषा सृष्टि का सर है, उसको कैसे हम देखें? अब माथे की तरह उषा दिखती है, आप उसको गौर से देखो कभी, शहरों में तो नहीं दिखेगी, मैं नहीं मान सकता कि दिल्ली में आप देख सकते हो, लेकिन हाँ कहीं गांव में या कम विकसित क्षेत्र में आप देखो, या पहाड़ आदि पर जाओ, आपको दिखेगा कि माथे की तरह दिखती है वो, है ना? एक नीचे लाइन है, ऊपर वो प्रकाश उजला हुआ, सूर्य निकल रहा है ना, तो वो गोल गोल सा लगता है, तो माथे के जैसी शेप बन जाती है, वो आकार माथे के जैसा होता है। तो इसीलिए प्रतीकात्मक रूप में ऋषि ने उसको सृष्टि का सर कहा, वरना पूरी, अब एक यहां से हमने देखी तो ठीक है, हमें उषा दिख गई, वो माथे के जैसी थी, पर अगर पूरी सृष्टि को देखें तो सृष्टि का सर कहाँ से देखोगे? असंभव है ना? अब वो उषा तब तो सर नहीं समझ में आएगी ना, वो क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो प्रतीकात्मक रूप में, है ना,
तो प्रतीकात्मक भाषा को हमें समझना है। सूर्यस्य वक्षुः वातः प्राणो व्यातमग्नि वैश्वानरः संवत्सरः आत्मा समेद्यस्य। तो यहाँ ऋषि क्या कहते हैं कि सूर्यस्य वक्षुः अर्थात सूर्य क्या है। यहाँ पहले ऋषि ने उषा के विषय में बताया कि जो उषा है वो एक ललाट की तरह है, मनुष्य के सिर की तरह है। अब उस उषा के नीचे क्या होता है? सूर्य। तो अब ऋषि सूर्य के विषय में कहते हैं कि सूर्य हमारे चक्षुओं के समान है, यानी कि हमारे नेत्रों के समान है। जैसे हमारे ललाट पे, हमारे सिर पर, हमारे माथे के नीचे नेत्र लगे हुए हैं, उसी प्रकार उषा के नीचे सूर्य लगा हुआ है। अब उषा और सूर्य दोनों वही हैं, परंतु सोच व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। ऋषि कई विद्वान हुए। सर्वप्रथम कहा जाता है कि सबसे पहले जो राजा थे, जो सबसे पहले मनु थे, वो स्वयं ब्रह्मा थे। अब ब्रह्मा के विषय में कोई कहता है देवता है, कोई कहता है त्रिमूर्ति में से एक है, परंतु हम वहाँ तक नहीं जाते, हम पहले धरती की बात करते हैं। भाई वो कहा है ना, पहले धरती को समझ लो, पहले अपने शहर को समझ लो, उसके बाद बात करना कि ऊपर आकाश में कौन है, क्या है। तो सबसे पहले जो राजा हुए, जो मनु हुए, वो ब्रह्मा थे, उनका नाम ब्रह्मा था। उन्होंने अपना ज्ञान अपने पुत्रों को दिया, उनके पुत्र मनु थे, जो मनु बहुत प्रतापी राजा हुए। अब वो इतने प्रतापी हुए कि उनके ज्ञान, उनके प्रकाश, उनके तेज के आगे, उनकी प्रसिद्धि के आगे ब्रह्मा भी फीके पड़ गए। होता है ना, कभी संतान, पुत्र या पुत्री इतने तेजों में इतने ज्ञानी होते हैं कि लोग पिता को भूल ही जाते हैं कि अरे ये कौन है, कि अरे ये उनके पिताजी हैं। मतलब पुत्र को पिता के नाम से नहीं, पिता को पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो वही स्थिति हुई। तो मनु ने, मनु संहिता जो लिखी है वो सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक कहा जाए कि विश्वसनीय ग्रंथ माना जाता है स्मृतियों में, संहिताओं में। उसके अलावा पराशर कलयुग के प्रथम मनु हैं, तो पराशर संहिता जो उनकी बृह, आपका कई नामों से अलग अलग उन्होंने कई लिखी हैं संहिताएं, तो जिसमें से बृहद पराशर होरा शास्त्र एक प्रमुख है, ज्योतिष का ग्रंथ है। लघु पराशरी है, वो भी पराशर ने लिखी। पराशर संहिता है, वो भी उन्होंने लिखी हुई है, यानी कि उन्होंने कहा है, लिखा तो निश्चित तौर पर शिष्यों ने ही है। तो ये जो स्मृतियाँ हैं, अब इनमें क्या है, सभी की सोच अलग हो सकती है। तो निरुक्त आदि में, स्मृतियों में इसको अलग अलग तरह से बताया गया है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये गलत हो जाएगा, वो प्रतीक है। हमें गूढ़ अर्थ को समझना है कि ऋषि कहना क्या चाहता है। अर्थ एक ही होगा, कहने का तरीका अलग हो सकता है ना। तो यहाँ ऋषि कह रहा है कि समझ लो, बस मान लो कि जैसे आपके माथे पर उषा है, जो ललाट है वो उषा की तरह है, और जैसे आपके ललाट पे ये नेत्र लगे हैं वैसे ही सूर्य है। तो वही वाली बात आ गई कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। सिर को समझ लिया तो उषा को समझ लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है ना। पर लगभग हम उसे समझ सकते हैं। जैसे उषा का अर्थ क्या है? उषा अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीत है ना। वो रात समाप्त हो रही है, सुबह होने वाली है, बीच में कौन है? उषा। तो वो अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाती है, प्रकाश की ओर ले जाती है। आपका सिर क्या करता है? सिर में बुद्धि है, और वो बुद्धि क्या करती है? आपको अज्ञान से ज्ञान, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो गुणधर्म एक हैं आपके ललाट के, आपके सिर के और उषा के गुणधर्म एक हैं, इसलिए उन्हें कह दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि
कि माथा जैसा है वैसा ही सृष्टि की उषा है। अगर आप अंतरिक्ष में जाके देखेंगे उषा दिखेगी नहीं, तो गलत हो गया ना। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तो इसे प्रतीकात्मक रूप में माना जाता है, इसे लिटरल मीनिंग में नहीं लेना चाहिए कि ये कहा है तो ये ही होगा, कसम खा के बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे ऋषि कहता है वातः प्राणो, अर्थात जो वायु है वही प्राण है। जो वायु जिस तरह से हमारे शरीर में जैसे प्राण है, प्राण भी क्या है, वायु है, उसी प्रकार से सृष्टि का प्राण क्या है, ये वायु है जो चल रही है ना? आगे ऋषि कहता है व्यातम अग्नि वैश्वा नरह, अर्थात व्यात, व्यात का अर्थ क्या है, हमें शब्दों को समझना पड़ेगा तोड़ के। जब शब्दों को तोड़ के समझेंगे तो उस पंक्ति का अर्थ समझ में आएगा। तो व्यात का अर्थ होता है खुला हुआ मुंह, है ना? जैसे समोसे वाले की दुकान पे सुबह सुबह चले जाओ तो वहाँ क्या दिखेगा, जो भी स्कूल के बच्चे हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, सुबह सुबह सभी वहाँ, भीड़ होती है समोसे वाले पे। और हमारे अलीगढ़ में तो, अलीगढ़ मथुरा आगरा यहाँ तो कचौड़ियाँ बड़ी भैया फेमस हैं, तो कचौड़ी वाले के सुबह सुबह इतनी भीड़ मिलती है और सभी कैसे खड़े होंगे, कचौड़ियाँ सिक रही हैं अब गर्म गर्म कढ़ाई से निकलने वाली हैं, और सभी खड़े हुए मुंह खोल के खड़े हैं, है ना, बस तैयार हैं कि जैसे कढ़ाई से निकले और सीधे लपक के मुंह में ले लें, है ना। तो वैसे ही वो जो खुला हुआ मुंह जो उन सभी का दिखता है वो व्यात है, खुला हुआ मुंह है। अब इस विश्व में उस मुख के समान कौन है, अब इसके लिए आपको पहले मुंह को समझना होगा कि मुंह किसे ऋषि कहना क्या चाहता है। ऋषि कहते हैं व्यातम अग्नि विश्वानर, अर्थात कि जो ये जो अग्नि है विश्व में, यह उस खुले हुए मुख के समान है। अब अग्नि से ऋषि उसकी तुलना कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, आखिर गुणधर्म क्या है, जरा सोचिए, पहले बुद्धि पर जोर डालिए। मुंह में होगा क्या, कचौड़ी कढ़ाई से निकली, अगले ने उठाई, मुंह में डाली और बस वो विलीन हो गई, पेट में जाके वो जल गई। और खाने वालों की खासियत ये होती है कि उसमें कितना भी मिलावट डाल दो, प्लास्टिक डाल दो, सीमेंट डाल दो, ईंट रोड़ा सब हजमे। सुबह के समय वो इंसान ऐसा भूखा होता है कि ईंट रोड़ा जो दे दो वो सब हजम हो जाएगा उसको। और होगा क्या उसके बाद कि पेट में वो पूरा सब कुछ भस्म हो गया। अग्नि भी वही है। तो ऋषि कहता है कि जो भी इस विश्व में है, अग्नि में कुछ भी डाल दो, वो बिना डकार लिए सब पचा जाती है। कितना भी डाल दो, अग्नि कभी उसकी जो भूख है, जो श्रद्धा है, वो शांत नहीं होती। तो इसीलिए ऋषि उस खुले हुए मुख की तुलना अग्नि से करता है। अब मुख और अग्नि का सीधे सीधे कोई संबंध हमें नहीं दिखता। हमारा एक मुख है, पर सृष्टि में तो कितने प्रकार की अग्नियां हैं। अब प्रतीकात्मक तौर पे ऋषि ने उसको मान लिया है कि जैसे मुख में जाकर सब कुछ विलीन हो जाता है, पच जाता है, वैसे ही ये अग्नि है। अग्नि में जो भी आहुति दोगे वो सब पच जाएगा। अब मात्र मुख को समझ लेने से अग्नि को नहीं समझा जा सकता, केवल प्रतीकात्मक रूप पे कहा गया है। इसीलिए यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, इसका अर्थ जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है प्रतीकात्मक रूप में। जैसा शरीर में है, पिंड में है, वैसा ब्रह्मांड में एज इट इज नहीं है। ठीक, अब जो अग्नि में हम आहुति देते हैं उसका होता क्या है। अग्नि में जो भी आपने आहुति दी वो जल जाएगी और पूरे विश्व में सभी प्राणियों तक, देवी देवताओं तक पहुंच जाएगी। वैसा ही मुख से भी होता है। आपने भोजन किया, पेट में गया, जल गया और उसके बाद सभी अंगों तक, बिना किसी पक्षपात के सभी अंगों तक वो पहुंच जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आँख के लिए अलग से खाते हैं, भैया दो टुकड़े आँख के लिए दो,
आँख को भोजन जाना है, दो टुकड़े अब नाक के लिए दो, कान के लिए अलग से दो, भाई सुन नहीं पाऊंगा आज नहीं खाया तो, ऐसा नहीं होता ना। हम भोजन एक लेते हैं, पेट में जाता है, पच जाता है और सभी अंगों तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से अग्नि में जो भी कुछ डाला जाता है वो सभी देवी देवता जीव जंतुओं तक पहुंचता है। वेदों के कर्म कांड में अग्नि को सभी देवों का मुख कहा गया है, अर्थात अग्नि में आपको देवताओं को जो भी देना है अग्नि में डाल दो, वो स्वतः ही सभी देवी देवताओं को प्राप्त हो जाएगा। अग्नि को हव्यवाह कहा है, अर्थात हवन का, हव का, वहन करने वाली। हव्य क्या है? हवन में जो आहुति दी वो हव्य है, तो हव्य का वहन करने वाली जो है वो अग्नि है। जो भी हमने डाला, जो भी आहुति दी, अलग अलग हवन होते हैं ना, कहीं नीम की लकड़ी यूज होती है, कहीं आम की, कहीं बरगद की, कहीं पीपल की, अलग अलग तरह के हवन हैं। वो आयुर्वेद का भाग है एक, जिसमें हवन का जब हम कोर्स कराते हैं तो वहाँ हम सिखाते हैं कि कौन सी आहुति से, कौन सी समाधा से किस बीमारी का उपचार हो सकता है। तो अलग अलग आहुति देते हैं अलग अलग हवन यज्ञ में। जो भी पर हम डालते हैं अग्नि क्या करती है? उसको जला देती है और उसको सभी देवी देवताओं तक पहुंचा देती है। अब आगे ऋषि क्या कहते हैं? संवत्सरः आत्मा शमेध्यस्य, अर्थात यहां फिर से मेध्यस्य का उन्होंने बात की है, अर्थात कि जो यह जानने योग्य अश्व है, अश्व क्या है? यह सृष्टि, भूलना नहीं है, नोट्स बनाते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए। जब हम डाउट क्लास करेंगे वहां पर जो भी डाउट होंगे वो आपके, मैं फिर से कोशिश तो मेरी ये रहती है कि इतना सरल करके पढ़ाऊं जिससे कि कोई दिक्कत आए ही ना, फिर भी अगर कोई डाउट आता है, परेशानी आती है, तो डाउट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। लिखते जाइए, नोट्स अपने बनाइए, मैं कोई आपको नोट्स नहीं दूंगा, खुद लिखो, अपने नोट्स बनाओ, वो याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक, तो आगे ऋषि क्या कहता है? संवत्सरः आत्मा शमेध्यस्य, यह जो जानने योग्य अश्व है उसकी आत्मा क्या है? यह संवत्सर। अब संवत्सर क्या है? वैदिक वर्ष संवत्सर है। आसान शब्दों में कहें तो वैदिक, जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं, ये ज्योतिष का भाग है, गणित, कालखंड की गणना करना, ऋतुएं, मास, चैत्र मास कब होगा, अश्विन मास कब होगा, कब गुरु पूर्णिमा होगी, है ना, ये सभी, जो मकर संक्रांति कब होगी, सारा ये जो भाग है ये ज्योतिष का भाग है, गणितीय भाग। तो वहां हम गणना करते हैं। ये आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं तो आगे हम इसे भी करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है, गणितीय भाग आगे आएगा आपके लिए। जो वैदिक वर्ष है वो संवत्सर है, जितनी भी आपकी ऋतुएं आती हैं ये सभी, जो पूरा ये खंड जो एक वर्ष चलता है वो संवत्सर हो गया। अब यहाँ क्या है कि पर फर्क देखिए, संवत्सर तो एक काल का खंड है ना, एक भाग है काल का, समय का भाग है, और आत्मा एक तत्व है। समानता यह है कि जैसे हमारा शरीर में जो भी कुछ है वो आत्मा के आधार पर चलता है, वैसे ही जो भी ऋतुएं, मास, नक्षत्र, जो भी प्रणाली हमारी है, तीज त्योहार, ये सभी कुछ संवत्सर के आधार पर चलता है। संवत्सर वर्ष का चक्र है, यानी कि जो भी त्योहार आया, जो भी आपका ऋतुएं बदली, वो सब संवत्सर में हो गया, उसके आधार पर है। तो वैसे ही ऋषि ने प्रतीकात्मक रूप में कि जैसे आत्मा है वैसे ही संवत्सर है। अब यदि आप में से कोई आयुर्वेद के छात्र रहे हैं तो आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक संहिता, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए आयुर्वेद के, चरक और सुश्रुत दोनों की ही संहिता बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो चरक संहिता में वहां ऋषि ने कहा है कि जैसे शरीर का इंद्र आत्मा है,
वैसे ही इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का इंद्र वो परमात्मा है। जबकि बृहदारण्यक में संवत्सर से तुलना कर दी गई है ना, वहां तो इंद्र से तुलना की कि आत्मा इंद्र है, यहां कहा कि आत्मा जैसे संवत्सर है वैसे आत्मा है। तो यहां दोनों ही जगह जो बेस लिया गया है, जो आधार है, वो वही श्लोक है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा ये पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, उसी को लेकर उसी के आधार पर बात की गई है। परंतु एक ही श्लोक को, एक ही तथ्य को दोनों जगह अलग तरह से कहा गया है, तो यहां घबराना नहीं है, समझना है उसको केवल। ये दो क्लासेस थी आपकी, जो बृहदारण्यक उपनिषद पार्ट वन और आज का ये था बृहदारण्यक उपनिषद पार्ट टू। तो दोनों ही क्लासेस ये फ्रीली अवेलेबल हैं और कोई भी सुन सकता है। अब तीसरी जो कक्षा होगी वो आपकी केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट को मिलेगी और आपके ईमेल आईडी पर प्राइवेट वीडियो का लिंक आ जाएगा जिस लेक्चर को आप सुन सकते हैं। लेक्चर सुनने के बाद वीकली आपके डाउट सेशंस रहा करेंगे, जैसे आज लेक्चर आपको मिला तो कल डाउट सेशन होगा, या कभी समय के ऊपर है, हो सकता है कि आपने लेक्चर सुना उसके तुरंत बात कर लें, वो निर्भर करता है। तो केवल वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल होगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर और थंबनेल पे भी ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।